Crybaby. तुम कितने स्ट्रेस लग रहे हो. Your neck muscles are so coiled. Okay. Now close your eyes and relax करने की कोशिश कर. Okay? क्या तुम देव को इस घर में लेकर आई? मैं उसे लाई थी. Oh. Don't be so tense, baby. And you know what? तुमने बिल्कुल सही किया. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर छाबरा जैसे ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस कैसे हो सकती है. But yeah, ओल्ड तो अभी हुए हैं, मिस्ट्रेस तो पहले से है. एंड एनीवेज, उन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि प्रियंका की शादी एक मिस्ट्रेस की बेटी से हो सकती है. इट्स रिडिकुलस. एग्जैक्टली. एंड आई हर्ड अनिका ने आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी. आई मीन उसे अपने काम से काम रखना चाहिए, राइट? तुम्हारे फैमिली मैटर में वो बोलने वाली कौन होती है? अच्छा किया कि तुमने उसे फायर किया. And you know what? Universe उसे दूसरी जॉब भी नहीं देगा. Relax, baby. बस ये याद रखो कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया. अच्छा हुआ अनिका दीदी, आपने उस बागड़ बिल्ले की नौकरी छोड़ दी. एनिमल्स तक एहसान याद रखते हैं, पर ऐसे सो सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं. अड़ी बास बागड़ बिल्ला, एक तरफ से अच्छा ही है. आपको घर पे मेरे साथ टाइम बिताने को मिलेगा. हम शाम को पतंग उड़ाने जाएंगे, बर्फ के गोले भी खाएंगे हाँ, और चौपाटी जाएंगे. देखना, मैं आपको बागड़ बिल्ले को तो इतना भी मिस नहीं करने दूंगा. मैं क्यों मिस करूंगी उन्हें? मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे छुट्टी मिल गई. वैसे भी पूरा दिन उनकी कंजी आंखें मुझे घूरती रहती थी. मुझे पता है शायद वो ना पक्के बिलौटे हैं. बिना मुझे देखे उन्हें पता चल जाता था कि मैं हूं. इंग्लिश में कुछ कहते थे कि आई कैन सेंस यू. अभी ये चूल्हे में चला गया उनका सेंस. अगर मैंने कुछ गलत किया होता उन्होंने सेंस नहीं कर लिया होता. उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे ली कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं. मैं तो खुद प्रियंका से कह रही थी कि ऐसे चोरी चोरी मिलना ठीक नहीं है. लेकिन मैं प्रियंका का नाम भी तो नहीं ले सकती थी ना, बेचारी फंस जाती. मैंने बस मुंह से झूठ बोल दिया और उन्होंने मान लिया. एक बार आंखों की सच्चाई तो देख लेते. उनकी पढ़ाई लिखाई ना सब बेकार. मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी. और तू प्लीज उनका नाम भी मत लेना मेरे सामने. या उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मत लेना. I'm sorry, Shivai baby. मैं तो बस तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी. It's done. I'm okay. अरे बेटा, मैं कह रही हूँ अगर तू नौकरी नहीं करेगी तो हम खाएंगे क्या? बुआ जी, मैं उस घर में वापस नहीं जा रही. अरे उस घर में वापस नहीं जाएगी तो क्या राम जी का मार के लाएंगे? मेरा मतलब बेटा, वो साहिल का क्या होगा? मुझे पता है कि आपको साहिल की चिंता नहीं है, आपको अपनी चिंता. पर आप डरिए मत, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी. दुनिया में सिर्फ एक ही नौकरी नहीं है. भले ही मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी पर मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी. देख, मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा है? और कितने बड़े लोग हैं वो. इतने बड़े लोगों से कोई लड़ता है? पर ऐसी नौकरी रोज रोज कहाँ मिलती है बेटा? देख अनिका बेटा, मैं कहती तू वहां जा. उनके हाथ जोड़, पैर रगड़, नाक रगड़, मेरा वो तो कुछ भी कर बेटा, नौकरी. अरे सुन ना बेटा, मेरे बात सुन बेटा. नमस्ते जी. राम राम. कैसे हो? मैं इसे समझा रही थी कि बेटा ऐसे नौकरी मत छोड़, आजकल रास्ते में कोई मिलती है नौकरी. बेटा आप समझाओ ना. बोल जी प्लीज, अंदर जाइए. अंदर जाइए. चाय कॉफी? बुआ जी ठंडा ठंडा लेकर आती हूँ. बुआ जी प्लीज अंदर जाइए. अनिका, जो कुछ भी होना उसके लिए नहीं हूं. कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है.
ऐसे अच्छा तुम यहाँ आ गए। एक मिनट, अनिका डिजर्व्स दिस। शिवाय ने उसे क्लियरली कहा था कि देव और प्रियंका को मिलना नहीं चाहिए, फिर भी वो देव को प्रियंका के रूम में ले गई। देव दैट बॉय अपने बाप की नाजायज औलाद, ओबरॉय खानदान का दामाद बनना चाहता है। पर भाई साहब, देव भी तो आखिर है ना मिस्टर छाबड़ा की औलाद, उसकी रगों में भी उन्हीं का खून है और उन दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता है ना। रिश्ता नहीं, नाजायज रिश्ता। लेकिन भाई साहब, बस मैं इस पर दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। न ये रिश्ता दोबारा जोड़ेगा और ना ही अनिका इस घर में वापस आएगी। दिस इज फाइनल। ये ओबरॉय मैंशन का कुछ सामान मेरे पास रह गया था, वही लौटा रही। प्लीज इसे ले जाओगे? तो अब ओबरॉय मैंशन का तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ भी नहीं बचा। Thank you for everything. ऊंचे खानदान वालों और यतीम सड़क छाप लोगों के बीच में एक लकीर थी, है और रहेगी। हमारे सारे सेने 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 तुम हम जैसे नहीं जैसे। क्या तुम देव को इस घर में लेकर आई? मैं उसे लाई थी। मुश्किल है समझाना अपना है या है गैर वो। इश्क में अधूरा सा रूह में है पूरा सा दर्द है। तू है मेरे जीने की वजह।